RPL coming this Ramzan, exclusively on Play. Let me tell you, the second season once again of RPL, or we have with us great celebrities who this time district ko support karenge, right? Exactly, a lot of bands supporting us and Pepsi. Aapko yaad hai last year कौन सी टीम जीती थी? इट वॉज मलीर मामूल एंड नॉट दिस ईयर, दैट्स नॉट, इट्स नॉट गोइंग टू बी, पता नहीं इस साल कौन जीतेगा. अगर आप हमें कॉल करें और आप हमें बताएं कि आप कौन सी टीम को सपोर्ट करते हैं, और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो कि ये सिलेक्शन प्रोसेस कैसे, यू नो हाउ डू वी डू इट, या अगर आपको कुछ भी कोई क्वेश्चन पूछें आर पी एल के बारे में, तो आप हमें डेफिनेटली कॉल करें. दिस इज़ अ गुड चांस फॉर यू टू कम. And you know, it's I know बहुत सारे लोग दूर दूर से आ रहे हैं for RPL, but just do come because you never know that it's going to be your turn to get paid. On that note, guys, let's go check out some more information on the panel. हम ब्रेक से वापस आ गए हैं. आरपीएल सीजन 4 फ्रॉम लाहौर से अब हमारे साथ बैठे हैं शहजादे बब्बर शेर की बगल में, और इन सब हम इनसे हम लोग स्टार्ट करेंगे, बातें जरूर अपने कंटिन्यू करेंगे इन दोनों की. इंशाल्लाह गुज्जर का खड़ाक देखेंगे आपसे. पर सिंगिंग कभी की है? बिल्कुल भी नहीं, ट्राई भी नहीं कभी की. देखिए आप हमसे क्रिकेट करवा रहे हो, आपको सिंगिंग करनी है? मेरा ख्याल है अगर मुझे वैसे ऑनेस्टली थैंक यू सो मच. आपने अपनी टीम अनाउंस की, इट वाज रियली गुड, लेकिन आपने अभी भी उसके अंदर ना देखो पंजाब करना पड़ेगा. आई एम जस्ट प्लेइंग इट स्मार्ट. वैसे इमरान जब इस फील्ड में आए होंगे, क्रिकेट की टीम में फील्ड में आए होंगे एज अ यंगस्टर, ऑब्वियसली बहुत सारी कई दफा हार्डशिप्स भी आई होंगी. हाउ डिड यू कोप विद दैट? मेरे ख्याल में कि एज ए स्पोर्ट्समैन ना, तो हर हालात के साथ में लड़ना चाहिए. इंशाल्लाह अपने जितने भी मेरे प्लेयर्स हैं उन्हें मैं कोशिश करूँगा कि अच्छी बैटिंग करें, क्योंकि बैटिंग की बेस पे हम जीतेंगे. और बॉलिंग तो आपका रावलपिंडी का एक मैच हुआ था. हाँ जी, अभी टूर्नामेंट हुआ था डोमेस्टिक टी20. बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी रहा, क्योंकि पहली बार मैं आई वाज द कैप्टन ऑफ द टीम. पहले मैं अपनी मतलब शहर को रिप्रेजेंट तो करता रहा हूँ, लेकिन पहला मौका था कि मैं कैप्टन भी था टीम का. पहले मलकू से भी मेरी बात चल रही थी और वो यही कह रहे थे कि बहुत जबरदस्त उन्हें प्लेयर्स मिले. आरपीएल सीजन 4 लाहौर, सिर्फ और सिर्फ अहमद भाई और उनके चीतों की. मौलानू मौलाना हरावे ते मौला नहीं हरदा. मुझे लग रहा है कि इंशाल्लाह इनमें से जितने भी लड़के हमने सिलेक्ट किए हैं वो सारे बहुत अच्छा खेलेंगे. लेकिन जिस दिन मैच होगा उस दिन आप प्लीज़ इनको मैसेज दीजिएगा कि जो है रोज़ा जो है ना रखें, लेकिन उसके बाद एनर्जी गेन करके आएँ, क्योंकि वो भी 2-3 दिन बाद ही है. हाँ बिल्कुल, ये मैं अपने सारे लड़कों से कहूँगी, बल्कि वो खुद भी माशाल्लाह से खेलते हैं और प्रोफेशनल है, उन्हें पता है कि खेलने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी. और उस दिन मेरा ख्याल है मैं इनके खाने पीने के लिए कोई स्पेशल सी चीज़ भी लेके आऊँगी ताकि इनकी एनर्जी. हो बुरा ना मनाना लोग मेरी गल का, मेरे ते नहीं हुण मेरा जोर चलदा. बुरा ना मनाना लोग मेरी गल दा, मेरे ते नहीं हुण मेरा जोर चलदा. कोई गल करे चित कद भी ना तर मैनू हर वेले चेता रही ना टोलदा. ओ मैं नहीं बोलदी, ओ मैं नहीं बोलदी, ओ मैं नहीं बोलदी, ओ लोग मैं नहीं बोलदी, मेरे च मेरा यार बोलदा. और आपकी टीम को भी विश करते हैं, क्योंकि अभी तक तो सिलेक्ट आपने कर लिया है, लेकिन हम लोग अनाउंस इसे बाद में करेंगे. हाँ बिल्कुल, अनाउंस इंशाल्लाह मैं लाइव करूंगी, जिस दिन होगा उसी दिन हम लोग करेंगे. हाँ 9th को इंशाल्लाह हम लोग अपनी टीम जो है वो अनाउंस करेंगे. ये मौला जट की आगे कभी ना कोई आया है, ना कोई आएगा. बहुत बहुत गुड लक कहना चाहती हूँ डिफेंस और ऑफ कोर्स मलीर. ओके थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. यहाँ पर आप तशरीफ लाएं, आइए प्लीज मैच देखें. बहरहाल ये गेंद जो है वो इस वक्त ग्राउंड से बाहर एक दफा फिर खूबसूरत शॉट मारा है, और 60 रन हो चुके हैं मौला जट की टीम के, और बिल्कुल फतह से बिल्कुल करीब मौला जट की टीम. आप सिर्फ 18 रन चाहिए, और एक और उम्दा शॉट खेला है और गेंद हवा में मौजूद.
और फील्डर भी लेके बॉलर आया गेंद की एक दफा फिर बड़ा अच्छा। ये मेरा ख्याल है मलिंगा है बॉलर जो इनको मलिंगा कहा जाता है, मलिंगा के साइड में, लेकिन वाइड बॉल एम्पायर का इशारा और एक रन का और इजाफा हुआ, 47 रन हो गए। और मौला जट की टीम इस वक्त काफ़ी स्ट्रांग पोजीशन में, आरपीएल सीजन 4 जो है मुझे लग रहा है कि मौला जट की टीम आसानी जीत जाएगी, लेकिन ये क्रिकेट है, इसको इसमें कुछ भी हो सकता है। क्यों चौधरी साहब कुछ इस तरह से मौला जट की टीम ने बहुत ही आसानी से ये टूर्नामेंट का फाइनल जो है वो, ये देखिए उमर अरशद साहिबा को जो है वो शाबाशी देते हुए उनके आई डोंट नो, मुझे दूर से नज़र नहीं आ रहा, उनके कोई जो आसपास के दोस्त हैं रिलेटिव उनको जो है वो शाबाशी देते हुए कि उनकी टीम इतनी अच्छी टीम उन्होंने सेलेक्ट की और किस तरह से इतनी आसानी से फाइनल मैच जो है वो मौला जट की टीम ने जीत लिया और बहुत ही आसानी से 8 विकेटों से जो है वो डॉट कॉम 11 की टीम को हरा दिया। जिस तरह से उन्होंने छक्के मारे 7 या 8, मेरा ख्याल 8 छक्के मारे हैं और मिस फील्डिंग भी काफ़ी हुई, लेकिन फिर भी हम प्ले टीवी की जानिब से मुबारकबाद पेश करते हैं और अपने सारे सियासी जो लोग मेरे कमेंट्री बॉक्स में मौजूद थे उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि वो गाय बागाय नहीं करें बोला साहब यार अब तो मैच ख़त्म हो गया यार क्यों गाल खींच रहे, तो बहरहाल सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि वो यहां पर आए और उन्होंने मेरे साथ कमेंट, ये देखें किस तरह से जो है वो भंगड़ा डालने के। यूबीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ग्राउंड बी में हूँ मैं इस वक्त और यहाँ गुलशन जायंट्स के ट्रायल्स हुए, बड़ा जाइगेंटिक स्पार्क था इनमें। अगर आपने है जीत का जज्बा तो आप भी हिस्सा लीजिए आईपीएल में, क्योंकि ये है जीत का जज्बा। क्या मलीर में पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन टैलेंट है? पाकिस्तान प्रीमियर लीग मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो जिस तरह उन्होंने आगाज़ किया टेबल टूर्नामेंट का, और इस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। आई थिंक लड़के जो नई जनरेशन है वो बहुत इंजॉय करती है टेबल की क्रिकेट, तो आई थिंक इस तरह की कॉम्पिटिशन हर साल होनी चाहिए। Winner is .com 11 wins the title of RPL. RPL coming this Ramzan exclusively on Play.